हे गाइस, आज मैं आपको लेके चलती हूँ इस गुलाबी शहर के रंगीन सफर पे, जो कि अपने शानदार आर्किटेक्चर, रॉयल पैलेसेस, फोर्ट, महल, ब्यूटीफुल गार्डन्स, टेंपल, अमेजिंग सनसेट के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस। साथ ही यहाँ की संस्कृति, फोक डांस, आइकॉनिक रेस्टोरेंट, शॉपिंग मार्केट के तो क्या ही कहने। स्वागत है आपका महाराजाओं के शहर पिंक सिटी जयपुर में। इस व्लॉग में हम जानेंगे जयपुर के महाराजाओं के घर सिटी पैलेस के बारे में, जहां आज भी रॉयल फैमिली रहती है, और साथ में देखेंगे हवा महल का ये सुंदर नज़ारा। लेकिन सबसे पहले बारी थी पेट पूजा की, जिसके लिए हम गए थे कांजी स्वीट्स रेस्टोरेंट, जिनकी स्वीट शॉप भी है और बगल में ही उनका रेस्टोरेंट भी है। ये रेस्टोरेंट सिंधी चौक के मेन चौराहे पर ही है। हमारा होटल भी पास में ही था, तो हमने यहीं लंच किया। हमने ऑर्डर करी थी थाली, जिसमें था रायता, पनीर, गोभी की सब्जी, दाल, आलू टमाटर की सब्जी, राइस, पापड़, स्वीट में एक मिठाई, सैलेड और नान और तंदूरी रोटी। टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना अच्छा था। राजस्थान में हो तो खाना तो टेस्टी आपको मिलना ही है। जूवी ने ऑर्डर किया था अपने लिए डोसा, जो कि उसने बहुत इंजॉय किया। जयपुर में घूमने के लिए सबसे इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट है मेट्रो, और मेट्रो स्टेशन हमारे होटल के पास में ही था, तो हमारे फर्स्ट डे के ट्रेवल में हमने डिसाइड किया कि हम मेट्रो से ही घूमेंगे। और सिटी पैलेस के लिए आपको सिंधी चौक से डायरेक्ट मेट्रो मिलेगी, जो आपको सीधा सिटी पैलेस के नियर स्टेशन छोटी चौपर पर ड्रॉप करेगी। जयपुर में घूमने के लिए मेट्रो के अलावा आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं, जो 300-400 रुपीस चार्ज करती है पर डे के अकॉर्डिंग, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने होटल के स्टाफ से भी ले सकते हैं। और आसपास काफी शॉप्स भी रहती हैं जो बाइक रेंट वाली होती हैं। उसके अलावा आप ई रिक्शा बुक कर सकते हैं, जो पूरे डे का 1000 रुपीस तक का चार्ज करते हैं और आपको पूरा सिटी का कुछ कुछ पैलेस कवर करके आपको वापस आपको होटल में ड्रॉप कर देंगे। आपसे बातें करते करते हम पहुंच गए सिटी पैलेस, और ये था यहाँ का टेरिफ। सिटी पैलेस के मेन गेट के सामने ही भैया एक मैग्नेट सेल कर रहे थे, जिनके पास स्टील मैग्नेट्स, वुडन मैग्नेट्स और ये पीवीसी वाले मैग्नेट्स थे। और ये छोटे छोटे एलिफेंट्स थे वुड के 100 रुपीज़ में, साथ ही ये की रिंग्स थे छोटे छोटे। ये पेंस देख के तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, हमारी दादी लेके आई थी हमारे लिए, हमने भी लिए यहाँ से कुछ मैग्नेट्स। ये 6 मैग्नेट मैंने 200 रुपीज़ में लिए। कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का टिकट। तो चलिए चलते हैं जयपुर के महाराजाओं के घर सिटी पैलेस के अंदर। ये है यहाँ का खूबसूरत सिटी पैलेस, जो रॉयल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, और आज भी यहाँ के एक रॉयल फैमिली यहाँ के एक प्राइवेट पार्ट में रहती है। इस पैलेस का निर्माण राजा सवयजय सिंह टू ने 1727 में करवाया था, तो ये पैलेस ऑलमोस्ट 300 साल पुराना है। सिटी पैलेस में एंटर करते ही सामने आपको दिखेगा दीवाने खास, जो की सर्वोत्र भद्र चौक के नाम से जाना जाता है। यही पर महाराजा का शाही दरबार लगा करता था, जहां वो अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ प्राइवेट मीटिंग किया करते थे, और यहां पे बाहर के लोगों को आने की अनुमति नहीं थी। दीवाने खास में आपको मिलेंगे दो बड़े गंगा जली, जिनको 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघला के बनाया गया था, और जिसकी कैपेसिटी है 4,000 लीटर और वेट 340 केजी है, जिसकी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। कहा जाता है इसका इस्तेमाल महाराजा सवय माधव सिंह जी ने अपनी इंग्लैंड की यात्रा के दौरान गंगा जल के पवित्र जल को अपने साथ ले जाने के लिए किया था, क्योंकि वो सिर्फ गंगा जल ही पिया करते थे। इस रॉयल पैलेस में आज भी रूलिंग रॉयल किंग की फैमिली इस प्राइवेट एरिया में रहती है। सिंगल फ्लैग का मतलब कि किंग सिटी में नहीं है। इसी जगह अगर डबल फ्लैग होते हैं तो मतलब किंग जो है वो सिटी के अंदर ही है। इस रॉयल पैलेस को 2010 से नॉर्मल पीपल के लिए ओपन किया गया था, लेकिन आज भी अगर आप रॉयल एरियाज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3,000 रुपीस का पास लेना पड़ेगा। यहाँ से निकल के हम पहुँचे ये फोटो गैलरी में, जहाँ पे आज के प्रेजेंट रूलिंग किंग की फैमिली की फोटोग्राफ्स हैं, और ये हैं रूलिंग फैमिली के हेड सवाई पद्मनाभ सिंह, जो कि प्रेजेंट किंग हैं। इनकी उम्र 25 साल, ये अभी इंग्लैंड से अपना लॉ कंप्लीट करके आए हैं, और ये पोलो खेलते हैं इंडियन टीम्स, और साथ ही इन्हें मॉडलिंग का भी शौक है। अब हम आ गए हैं इस पैलेस के प्राइवेट सेक्शन में, जो कि प्रीतम निवास यानी रिद्धि सिद्धि पोल के नाम से भी जाना जाता है। इनर कोर्टयार्ड, जो कि इस सिटी पैलेस के प्राइवेट एरिया को कनेक्ट करता है, और यहाँ है 4 बने हुए गेट, जो अलग अलग सीजन और अलग अलग भगवानों को डेडिकेटेड है।
ये है नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ पिकॉक गेट, जो कि ऑटम सीजन और भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। साउथ ईस्ट में बना ये लोटस गेट, जो कि समर सीजन और भगवान शिव को डेडिकेटेड है। साउथ वेस्ट में बना ये रोज गेट, जो कि विंटर सीजन और देवी माँ को डेडिकेटेड है। और नॉर्थ वेस्ट में बना ये ग्रीन लहरिया गेट, जो कि स्प्रिंग सीजन और भगवान गणेश को डेडिकेटेड है। ये कोर्टयार्ड आपको इस महल के उस प्राइवेट एरिया से कनेक्ट करती है, जहां आज भी रॉयल फैमिली रहती है, जो कि चंद्र महल के नाम से जाना जाता है। ये चंद्र महल जयपुर की सबसे पुरानी 7 मंजिला इमारत है। चंद्र महल का रॉयल टूर यानी जो 3000 का पैकेज होता है, उसमें छवि निवास यानी ब्लू रूम और शोभा निवास, जो कि ग्लास या डेकोरेटेड रूम है, वो आपको दिखाया जाता है। प्रीतम निवास से निकल के हम पहुंच गए सभा निवास यानी दीवाने आम, जहां राजा अपनी प्रजा के साथ सभा लगाया करते थे, और यहां उनके रियल टाइम की सभा जो होती थी उसकी फोटोज थी बहुत सारी, उनकी फैमिली फोटोज थी जो कि सभा में बैठे हुए थे, किस तरह से सभा लगती थी आपको ये फोटो में देख के पता चल जाएगा। और यहाँ से एंट्री होती है सभा निवास के अंदर। अंदर बहुत सुंदर है, सब ग्लास के वॉल्स हैं और ऊपर सीलिंग पे बहुत सारा काम किया हुआ है, अलग अलग पेंटिंग्स लगी हुई हैं। इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं था, तो मुझे अपना कैमरा यहाँ पे बंद करना पड़ा। ये है सिटी पैलेस का मुबारक महल, जो कि महाराजा के देसी विदेशी मेहमानों को ठहराने के लिए एज अ गेस्ट हाउस यूज किया जाता था। 1959 से इस महल को एज अ टेक्सटाइल म्यूजियम और लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें ग्राउंड फ्लोर एज अ लाइब्रेरी और फर्स्ट फ्लोर एज अ टेक्सटाइल म्यूजियम यूज किया जाता है, जिसमें 7 फिट के राजा, जिनका वेट 250 kg और चेस्ट 4 फिट था, उनकी ड्रेसेस रखी गई है। महारानी ड्रेसेस जो लहरिया, गोटा पट्टी, दिवाली के लिए जो उनकी 5 kg प्योर गोल्ड से ड्रेस बनी थी, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बाकी और भी सारे ओकेजन्स की ड्रेसेस यहाँ प्रेजेंट हैं। कैमरा यहाँ अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर का शूट नहीं कर पाई। टेक्सटाइल म्यूजियम के अपोजिट ही है वेपन गैलरी, जहाँ पे आपको पुराने टाइम के राजा महाराजाओं के द्वारा यूज किए हुए अस्त्र शस्त्र, तलवारें और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं था, आप चाहें तो आप यहाँ जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है इस पैलेस की लास्ट प्लेस, जो कि है फ्रेंड्स ऑफ म्यूजियम। कहते हैं यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो नेशनल इंटरनेशनल अवार्डेड आर्टिस्ट हैं, जो पुराने टाइम के राजा महाराजाओं के लिए सामान, ज्वेलरी, बैंगल्स, मैट्रेस, रग, कार्पेट, परफ्यूम, ड्रेसेस, ये सब बनाया करते थे। आज की रॉयल फैमिली के लिए भी ये लोग सामान उसी तरह बनाते हैं जैसे पहले बनाते थे। और ये प्लेसेस हमारे लोकल पब्लिक के लिए भी ओपन है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके सामान खरीद सकते हैं। हमें ये पैलेस घूमने में पूरा 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा, जिसमें हमने रॉयल टूर जो 3000 का पैकेज था वो नहीं लिया था। अगर आप वो पैकेज भी लेंगे तो आपको एडिशनल 1 आवर और लगेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना आईडी कार्ड लेके जाइएगा, उसके लिए आपको 50% टिकट में प्राइसिंग का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिटी पैलेस को पूरा डीपली जानने के लिए आपको यहाँ गाइड्स मिल जाएंगे, जो 200 से 350-400 तक का चार्ज करते हैं, डिपेंड आप किस सीजन और किस मंथ में वहाँ विजिट कर रहे हैं। सिटी पैलेस से निकलते ही अपोजिट साइड में पड़ता है जंतर मंतर, जो शाम के 6:30 बजे तक का ही खुलता है। हम हो चुके थे लेट, तो हम यहाँ से निकल गए। और ये है सिटी पैलेस के बाहर की रोड की मार्केट, जहाँ जयपुर से रिलेटेड ड्रेसेस, बुक्स, ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम्स आपको दिख जाएंगे। सिटी पैलेस से निकल के ई रिक्शा करके हम पहुंच गए हवा महल, जो कि सिटी पैलेस का ही एक एक्सटेंशन है। ये जो हमें फ्रंट में दिखता है वो एक्चुअली हवा महल का बैक है, और एक्चुअल हवा महल अंदर से बहुत बड़ा है। इसके अंदर जाने का टिकट मात्र 50 रुपये है। 953 झरोकों से बना ये हवा महल एक्चुअली तब पुराने ज़माने की रानियों के लिए बनवाया गया था, जो कि जयपुर की रोड्स पे होने वाली हलचल और फंक्शंस को बिना किसी की नज़र में आए इन झरोकों के थ्रू देख सकती थी।
जितना सुंदर ये दिन में लगता है उससे ज्यादा सुंदर ये रात में लगता है। अलग अलग रंगों की परछाई में कृष्ण जी के मुकुट के डिजाइन जैसा बना हुआ ये हवा महल दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जो कि बिना किसी नींव के आज भी खड़ी है। कुछ ऐसा था हमारा जयपुर का फर्स्ट डे। आई होप आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा एंड प्लीज़ यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और नई प्लेसेस और कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। ओके बाय।